हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ थ्रेड थ्योरी के बारे में एंड विल टेल यू हाउ स्कॉलर एक्सप्लेन द थ्योरी और इस थ्योरी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और एग्जांपल्स क्या हैं इस थ्योरी की। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक। बैलेंस ऑफ थ्रेड थ्योरी बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के अगेंस्ट है। इनका कहना है कि बैलेंस नॉट अगेंस्ट पावर पर से बट अगेंस्ट थ्रेट पोज बाय अनदर कंट्री। इनका कहना है कि किसी बढ़ती हुई पावर के साथ अपने आप को बैलेंस ना करें, बल्कि अगर कोई कंट्री हमें थ्रेट कर रही है तो स्टेट के खिलाफ बैलेंस करें। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी 1980s में इमर्ज हुई। स्टीफन वॉल्ट ने 1987 में द ओरिजिन्स ऑफ अलायंस बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को आउटलाइन करते हुए कहा कि नेशन सिर्फ उस सूरत में अलायंस करती है जब उन्हें कोई परसीव थ्रेट हो। मीन्स अगर स्टेट को किसी दूसरी स्टेट से ख़तरा हो क्योंकि वो स्टेट एक अग्रेसर स्टेट है, तो इस सूरत में स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अलायंस में चली जाएगी और इस अलायंस में जाने को बैलेंस ऑफ थ्रेट कहते हैं, यानी इस थ्रेट के खिलाफ बैलेंस करना। स्टीफन वॉल्ट ने इस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगर कोई नॉन अग्रेसिव पावर राइज करती है तो स्टेट इसका राइज करने के प्रोसीजर को एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर कोई अग्रेसिव स्टेट राइज करती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है पावर में, तो दूसरी स्टेट के लिए ये एक थ्रेट बन जाता है कि ये स्टेट इन फ्यूचर हमारे खिलाफ अग्रेसिव पावर यूज़ कर सकती है। इसलिए स्टीफन वॉल्ट ने कहा, कंट्रीज़ एक्सेप्टिंग द राइज ऑफ नॉन अग्रेसिव पावर वाइल वर्किंग टू बैलेंस लेस पावरफुल बट मोर अग्रेसिव थ्रेट। एज अ रिजल्ट इस सूरत में क्या होता है, स्टेट आइडियाज़ ऑफ सिक्योरिटी वर डिफाइन बाई परसीव थ्रेट। Now moves towards the elements of threat. There are four elements of threat. Stephen Wald explained that four elements explain the perceived threat. मतलब चार सूरतें ऐसी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि स्टेट हमारे लिए थ्रेट है, मतलब ख़तरा है। फर्स्ट है जी स्टेट की एग्रीगेट पावर, लाइक स्टेट की साइज क्या है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज कितनी है स्टेट की, मतलब हाउ द स्टेट इज़ पावरफुल इन एग्रीगेट टर्म। सेकेंड इज़ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इसका मतलब है कि वो स्टेट हमारी स्टेट से कितने के नज़दीक है और वो कितनी पावरफुल है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू थ्रेटन अनदर स्टेट, मतलब वो कैपेबिलिटीज़ या वो एक्टिविटीज़ जो स्टेट की ये डिफ़ाइन करती है कि वो स्टेट दूसरे के लिए एक थ्रेट है, लाइक द एबिलिटी टू थ्रेटन द सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अनदर स्टेट एट अ एक्सेप्टेबल कॉस्ट। आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो वो स्टेट मिलिट्री तौर पर कितनी पावरफुल है, इसके साथ साथ क्या वो स्टेट अग्रेसिव है या नहीं। एंड लास्ट वन इज़ ऑफेंसिव इंटेंशंस ऑफ स्टेट, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में कि वो स्टेट अग्रेसिव है या नहीं। अगर हम इन थ्योरी के मेन पॉइंट्स की तरफ फोकस करें और फोर एलिमेंट्स को फोकस करें तो हमें पता लगता है कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, ये सब वॉर्स बैलेंस ऑफ थ्रेट के अंडर ही हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ग्रेट पावर्स अलायंस में चले गई थी अगेंस्ट अ परसीव थ्रेट, और ये परसीव थ्रेट उन्हें जर्मनी से था क्योंकि जर्मनी राइज करती जा रही थी और बाकी स्टेट के लिए ये एक थ्रेट बन गया था क्योंकि जर्मनी एक एग्रेसिव स्टेट बन गई थी उस दौर में। कोल्ड वॉर को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा, 1980s में चाहे US एक पावरफुल कंट्री थी लेकिन फिर भी उन्होंने USSR के अगेंस्ट अलायंस में गई क्योंकि उनको USSR से थ्रेट था। अगर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों स्टेट एक दूसरे के लिए थ्रेट हैं और शुरू से ही एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश में लगी रहती हैं। जैसे कि 1974 में इंडिया न्यूक्लियर पावर बना और 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया। क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट था तो पाकिस्तान ने अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना ही ज़रूरी समझा। अगर हम इन स्टेट्स के अलायंस पावर की बात करें, ऐसे ये दोनों स्टेट दूसरे स्टेट्स के साथ अलायंस भी बनाती हैं टू बैलेंस द परसीव थ्रेट। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और US के रिलेशंस पिछले कई सालों से बहुत बेहतर दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तान ने इस रिलेशन और इस अलायंस को बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं। सो ये दोनों अलायंस स्टेट्स इनकी एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए मददगार साबित होती हैं। ये तो था बैलेंस ऑफ थ्रेट का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।